गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो नाउ आई स्टार्ट अवर टुडेज क्लास इन सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड वी लर्न द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. सो वी आर मूव टू अवर टुडेज टॉपिक. इन प्रीवियस क्लासेस वी रीड अबाउट मिनरल रिसोर्स, व्हाट इज मिनरल्स एंड वेयर दे गेट फाउंड एंड इन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन द sufficient manner. So there are three parts of India we discussed in previous classes. Now we start our today's topic, which is iron ore, where it is found and which quality of found in India especially. So सबसे पहले iron ore, जिन्हें कच्चा लोहा भी कहते हैं, लोह एस्ट भी कहते हैं हिंदी में. Mostly they are found in two types in India. They are that are hematite and magnetite. और ये दोनों जो types हैं ये लोहे में सबसे बेहतरीन types माने जाते हैं, सबसे अच्छे types माने जाते हैं, hematite and magnetite. और पूरे विश्व में हमारे यहाँ से लोहा export किया जाता है क्योंकि सबसे अच्छी quality होती है. और आपको पता है कि लोहा, iron and steel, ये दोनों एक तरीके से बेस होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए. और चूँकि पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस पे चल रही है, कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस पे चल रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना ज़्यादा डिमांड होगा लोहे का. तो खैर, हम शुरू करते हैं लोहे के, आयरन के बारे में कि कहाँ पे और कितना पाया जाता है. तो 2004 and 2005 का रिकॉर्ड मेरे पास है, पीडीएफ फॉर्मेट में जो बुक है मेरे पास. आपके पास हो सकता है कि अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी क्वांटिटी आपको आपकी किताब में मेज़र होगी, तो आप अपनी किताब के मेज़रमेंट को ही, जो आयरन ओर का मेज़रमेंट, उसको ही ईयर के हिसाब से मेंशन करिएगा जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में होंगे. तो कहने का मतलब यह है कि उस ईयर को ज़रूर मेंशन करिएगा जब, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितना आयरन ओर है, तो जो भी आपका आयरन ओर क्वांटिटी दिया होगा किताब में, तो उसके ईयर भी दिए होंगे, तो उस ईयर को जरूर मेंशन करिएगा. जैसे मेरे में 2004 and 2005 है और करीब 200 करोड़ टन का रिजर्वियर दिखा रहा है बुक में. तो आपके बुक में हो सकता है अलग कुछ हो, ईयर के साथ साथ मेजरमेंट भी. और आप देखिए 95% जो इसका रिजर्वियर है, यानी कि जहाँ पे पाया जाता है, वो करीब उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. और इसमें देखिए, इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़. अब अगर हम इसे फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से देखें, और हमने कई बार प्रीवियस क्लासेस में ये चर्चा की है कि जितना भी ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीज़न है, ये पूरा का पूरा रीज़न मिनरल्स के बिहाफ से देखा जाए तो बहुत ही रिच है, बहुत ही रिचफुल है, रिसोर्सफुल है. तो ये पूरा रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू के डेटा बेसेरा में आएगा. और इसके अलावा आप देखिए कर्नाटक, गोवा कोस्टल रीजन आ जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु डेक्कन प्लेट्यू रीजन में आ जाएंगे. अब उसके बाद कहाँ पे उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में जो आयरन ओर के मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये फाउंड होते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं, वह सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार, इन जगहों पे जो हिल्स चेन्स हैं उन एरियाज में ये पाए जाते हैं. उनकी महत्वपूर्ण जो इनके एक तरीके से जो माइंस हैं, उन माइंस के बारे में अगर हम बात करें, तो गुरुम, सिहानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज में किरुवरु, केंदुझार में तथा और बोनाई सुंदरगढ़ में. तो देखिए, लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप एक बार सुन लिए और हो गया. आपके लिए काम ये है कि इन सारे रीजंस को आपको मैप पे आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे पहले या अक्सर करके ये चीज़ें पूछता है कि ये जो माइंस हैं कहाँ पे हैं और किस मिनरल्स के लिए ये प्रसिद्ध हैं. तो आप पूरा इसको अंडरलाइन करके, मैप सामने रख करके, इसके रीजंस को, ये कहाँ पे है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको ज़रूर पहचानिएगा और अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, ये सारी चीज़ें. तो अब इसमें कुछ सबसे पुराने जो आयरन ओर के माइंस हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो ये इन्हीं रीजन्स के अगल बगल, यानी कि केंदुझर, सुंदरबन,
इन सब सुंदरगढ़, इन सब मयूरभंज, झार, इन सब एरियाज के पास पाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी मिनरल इंडस्ट्रीज, सॉरी आयरन ओर की इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, वो इन्हीं माइंस के आसपास ही बनाई गई हैं। तो उसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं कि माइंस के आसपास ही जब ये चीज़ें बनाई, ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बचेगा। प्लस माइंस के पास, जब इनके पास इंडस्ट्रीज रहेंगी, तो जो एक तरीके से रॉ मटेरियल की नीड्स होती है वो जल्दी से फुलफिल होगी। और चूंकि इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई, तो इस एरिया का ज़बरदस्त विकास हो गया। आप जमशेद जी नगर टाटा झारखंड में हैं, आप जानते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल रीजन है, काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। अच्छा, आगे देखिए इसके, तो नोवा मंडी और गोवा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट माइंस वो ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और इसके आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा, बैला डीला तक ये पूरा फैला हुआ स्प्रेड है। दिल्ली और दुर्ग में राजहरा, इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइएगा, राजहरा के जो माइंस हैं ये आयरन ओर के इम्पोर्टेंट माइंस है, तो इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा। दिल्ली और दुर्ग में राजहरा जो माइंस है वो आयरन ओर के सबसे इम्पोर्टेंट माइंस हैं। कर्नाटक में अगर आप देखें तो बेल्लारी, इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के संदूर हॉस्पेट एरिया में, और उसके बाद चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन की जो हिल रेंज हैं, फिर कुद्रेमुख एरिया है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, तो इन सारी चीज़ों को, फिर रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में आप देखिए, और आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर, इन सारे रीजन्स में, तमिलनाडु में देखिए सेलम, नीलगिरी के जो आयरन ओर के माइंस हैं वहाँ पाए जाते हैं। गोवा में भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही माइंस पाए जाते हैं। तो ये हम माइंस के बारे में आयरन ओर के माइंस के बारे में बात की, कहाँ कहाँ कैसे पाए जाते हैं। इसके बाद मैंगनीज की बात करें, तो मैंगनीज एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है स्मेल्टिंग के लिए, यानी कि स्मेल्ट करके मिलाने के लिए आयरन ओर में, और फेरस अलॉयज के लिए, यानी कि उसके बाद जो लोहे से लोहे को मिक्स करके जो नेक्स्ट मिनरल्स बनाए जाते हैं उसके लिए, ये सारी चीज़ नए मेटल्स बनते हैं, फेरस अलॉय यानी कि फेरस लोहे को मिला करके नए जो मेटल्स क्रिएट किए जाते हैं उनके लिए। अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले इसकी बात की जाए तो इनके जो मोस्टली फाउंडिंग रीजन्स हैं, ये भी भारत में जो उड़ीसा है वो सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है मैंगनीज का, उड़ीसा में जो मेन माइंस हैं, और भारत की जो मेन्स आयरन ओर की एक लेंथ के रूप में जो डेवलप्ड है उसमें स्पेशली बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगीर ये हैं इम्पोर्टेंट माइंस हैं। ये यहाँ पे आयरन ओर्स भी मिलती हैं और मैंगनीज भी मिलती हैं, और इसके साथ कर्नाटक भी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव स्टेट है मैंगनीज का। और कर्नाटक में देखिए तो यहाँ पे बेल्लारी, धारवाड़, बेलगाम, उत्तरी कानारा, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर, इन जगहों पे ये पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाए जाते हैं, इनके माइंस पाए जाते हैं, और स्पेशली इनके खदानें पाई जाती हैं, माइंस पाए जाते हैं। और एक चीज़ और इसमें जानना ज़रूरी है कि ये स्टील इंडस्ट्रीज से थोड़े दूर पे इनके माइंस सिचुएटेड हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये एक अलाभ की स्थिति हो जाती है, नॉन प्रॉफिटेबल मैटर्स हो जाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी जल्दी प्रोवाइड नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी इशू हो जाता है।